ये कहा कि बेटा जन्म लेने के बाद मर जाता, तो बेटा तो जन्म लेगा लेकिन जन्म लेने के बाद तुम्हें काट करके मेरी यज्ञ में चढ़ाना होगा। हरिचंद के चेहरा पर मुस्कान आ गई। महाराज बच्चा जन्म ले लियो, तो जन्म तो ले लियो लेकिन ध्यान रखियो और जन्म लेने के बाद में ही तुरंत वो बच्चा काट के मेरे यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। महाराज हरिचंद कहने लगे, महाराज एक बार जन्म तो ले ले और जन्म लेने के बाद में जरूर काट करके तुम्हारी खबर में चढ़ा दूंगा। जाई महाराज हरिचंद लौट करके चले आए। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, उस महारानी के गर्भ ठहर गया। जब 9-10 मास पूर्ण हुए हैं तो महारानी रानी तारा उसे चंद्र की पीर उठी है, कहने लगी महाराज अगर कोई वैद्य मिल जाए, कोई हकीम मिल जाए तो महाराज मेरा इलाज करा दो, मेरी नब्ज दिखा दो। हरिचंद कहने लगे रात का समय है, भला हकीम कहां मिल जाएंगे। जैसे ही रजनी का चौथा भाग लगा है, किसी हकीम को बुला दो। हरिचंद कहने लगा भद्रे धैर्य धारण करो, सुंदर बेटा को जन्म दिया है
और जैसे ही बेटा को जन्म दो सवेरो भव, वरुण देवता ने कही हरिचंदन, हरिचंदन की आयो अभी बाल बहना पाप तो तक आयो, हाँ बालक है वो, हाँ हाँ तो लिया कहाँ काट के चढ़ाएंगे, हरिचंद्र की मारा ने कहा तो शर्म करो, अभी जन्म पाओ तुम आए और तुम कह रहे हो कि काट के चढ़ाएंगे, जब मेहताई की लेने के सामने से अपने बच्चा को उठा लेंगे, ऐसी कोई हत्या है, समझ आ गई बेटा, जैसे ही दो चार दिन बीते बिन्ने गई वरुण देवता ने कहा हरिचंद हाँ लड़का लाओ, महाराज ऐसे करो भी दूध के नाम तो पजे आवते हो, जैसे ही दूध के दांत भए वरुण देवता आए गए हरिचंद, हरिचंद ने किया बका महाराज अभी दूध के ही तो भयन कभी आके पैसे तो आ जाते हो, अब वरुण चक्कर मारे द्वारे पे हरिचंद दे जल्ला, वरुण देवता समझ गए नेकी की संग में पति है, सांचे न की कदर ना है झूठे न के सत्कार, काऊ कौन लेके देवी बाती कहीं उसे यार, सीधे सादे भोले वाले उनसे लोग कहे गमार, और सातव ने चोर और चोर है साहूकार, जमाना उल्टू है ज्यादा सीधा हो तो पागल हो, और जो काऊ को लेके न दे रहे हो पड़ोसी आ रहे हैं तो जाने पर पैदा करो है, जमानो ही अलग है, लेकिन ध्यान रखना वरुण देवता तो मांगते रहे तब तक देवराज इंद्र आ गए, देवराज इंद्र ने कही श्याप मरे न लाठी टूटे, मतलब मारा ऐसा करो जी 5 साल को तुम्हारा लड़का है गो और जो जंगल में छुपाए गए, और जंगल में जब छुपाए दोगे तो वरुण देवता ते कह दिए महाराज मालिनी ने कहा को ठहले हो तुम ही तो ना लेगे, अब बताओ तो देवराज इंद्र व बच्चे लेके और जंगल में ले गए 5 साल को, अब वरुण देवता आए हरिचंद, हरिचंद ने कहा करो यो मैं कर लेते दुखी हूँ बेरो रही है बैठी में लड़का तू ना बरोड़ने की लड़का, हाँ तुम तो ना ले गए बरोड़ने की देख ले, मैं जेवना देखो कार हो तो भूलो है, मैं जेवना देखो कैसो है, तो महाराज केव दिन आते भूला पड़ रहे बाल भली ना रो बरोड़ने की देख काट के छड़ावे सामन छड़ावे तो दोस्त लगा लो, महाराज दोष की बात ना पर लड़का ना खो वरुण ने कही तो अम्मी जाकी पहरेदारी करूं, जब आऊं तो भाई के तू तो किताब तो पर जावे और श्याम है जान दो के है जान दो ते देख लूं ना तो मैं दूरी कहूं ते जा करके देवराज इंद्र ने पर मासूम से बच्चे को जंगल में छुपा दिया, और एक कौशल यादव जो नगला भाव से आए हैं हमें 101 रुपए का हार हमारे गले में पहना करके सम्मान कर रहे हैं, प्रभु से आशा चाहे प्रभु सदा धर्म क्षेत्र नाम बनाते हैं, तो वरुण देवता महाराज हरिचंद के द्वार से लौट करके चले गए, लेकिन ध्यान रखना जो जिसके साथ में घात करता है, जो जिसके साथ झूठ बोलता है,
जिसके साथ हमें जो बुरा सोचता है वो ये ना सोचा कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो स्वयं के लिए। अगर तुम्हारे साथ में कोई घात करता है, कोई गलत काम करता है, तो आप उसे जवाब मत दो, आप केवल उस ठाकुर पे छोड़ दो, कृष्ण पे छोड़ दो। तुम उसे जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन वो मेरा कन्हैया मेरा गोविंद वो जवाब देगा उसे कि दुनिया वाले तमाशा देखेंगे। तुम्हें उस नीच पापी जैसा बनने में केवल एक सेकंड लगेगा। क्यों? कोई चोर है, कोई डकैत है, बदमाश है, तो तुम्हें तमंचा ले लो, एक सेकंड लगेगी बाकी जैसो बनवे में। और बैद तुम जैसो बनवे में अगर पूरा जीवन लग जाए फिर भी तुम जैसा नहीं बन सकता। आज जब 5 वर्ष को बेटा जंगल में इधर हरिचंद पहुंच गए, इंद्र देवता ने कही महाराज बेटा वन में छड़नो है तो एक काम ना करो, कहा कि काऊ को बालक मोल ना खरीद लो। हरिचंद ने की ऐसे मेहताई बात बताई जा दुनिया में, सब पैसे दे देते। अरे महाराज मेरे काऊ को बोल लेके खरीद रहे, ध्यान रखना अगर बात आई है तो मैं कहूंगा। पांडाल में बैठे जी बताइए सबसे सस्ती चीज का है, अच्छा जी बता सबसे बड़ी चीज का है। परिचित महाराज तुम्हें ना पूछ रहे, पूछ रहे पीछे वाले, तुम तो नो टेंशन हो, कथा सुनो करो तुम्हारा।